देश की सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने अपने कान में रुई डाल ली है, उनकी चमड़ियां इतनी मोटी हैं कि आप बोलते रहिए, कहते रहिए, चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, उनको आपकी चीख पुकार लड़ाई आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। और इस काम में पूरी तरीके से मीडिया आज उनके साथ खड़ा हुआ है। इसलिए जो जमीन की सही हकीकत है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। न्याय के लिए जो लड़ाई, जो संघर्ष हो रहा है, उसकी आवाज लोगों तक पहुंचे, उसका सबसे बड़ा माध्यम मीडिया है। लेकिन मीडिया में जो बैठे हुए एंकर हैं या मीडिया में बैठे हुए जो मालिक हैं, वो खुद मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सांप्रदायिक हैं, वो उससे ज्यादा ही एग्रेसिव होके चीजों को प्रस्तुत करते हैं। और किसी भी मामले को कैसे सांप्रदायिक किया जाता है, ये अगर आप टीवी चैनल्स को आज की तारीख में देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दो मौलाना साहब बैठ जाएंगे, दो तीन आरएसएस के लोग बैठ जाएंगे, फिर एक कांग्रेस का प्रवक्ता, एक बीजेपी का प्रवक्ता, एक बीजेपी का प्रवक्ता जो एंकर है वो खुद, तो सब मिलके और इस तरीके से हल्ला बोलते हैं, इस तरीके से चिल्ला चीख के बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब देश के अंदर पता नहीं क्या भूचाल आ गया है और सब एकदम से घबरा जाओ सब लोग, हिंदू बहुत खतरे में पड़ गया है। एक तो हिंदू हर एक चीज में बहुत खतरे में पड़ जा रहा है इस समय, कोई भी चीज है तो वो खतरे में पड़ जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है, अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो दरअसल कहीं ना कहीं जो ये पूंजीवाद की जो राजनीति है, जो चंद पूंजीपति इस देश की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, दरअसल वो नहीं चाहते कि जो शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, सांप्रदायिकता का मुद्दा है, नफरत की राजनीति का मुद्दा है, वो कहीं राजनीति के केंद्र में आ सके और ये कहीं बहस का मुद्दा बन जाए इस देश के अंदर। इसलिए वो पूरे 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 एक डिस्कोर्स को, पूरी एक बहस को देश के अंदर बदल देते हैं। आप बात करेंगे कि साहब पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो गया और नोटबंदी में देखिए 99.3% पैसा फिर से वापस आ गया और जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। वो कहेंगे चार गैया मरी हुई, तुम्हें चिंता पड़ी हुई है जीएसटी और नोटबंदी और पता नहीं क्या क्या पेट्रोल डीजल बता रहे हो। तो अब आप उस पर अगर आपने कहा कि नहीं भाई सबसे ज्यादा जरूरी तो बच्चों की भूख पे बात करना है, बोले नहीं तुम तो देशद्रोही हो, बच्चों भूख जरूरी है, गौ माता की सुरक्षा जरूरी है, एम्बुलेंस बनना चाहिए गौ माता के लिए, भले ही 60 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे आपको जानकर खुशी होगी कि गौ माता के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है, वहां पे एम्बुलेंस आती है उनके लिए, बच्चे आपके भले मर जाए ऑक्सीजन की कमी से, भले आपको ये बताया जाता रहे कि भाई अगस्त के महीने में तो बच्चे मरते रहते हैं, आप उसके लिए तैयार रहिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 60-70 बच्चे अगर मर जाते हैं तो इससे क्या क्यों हल्ला मचा रहे हो। तो पूरे देश के अंदर एक नकली बहस चलाकर जो असली मुद्दे हैं आपके उसको दबाने का लगातार प्रयास हो रहा है और इसमें मीडिया पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा है, जो बहुत खतरनाक खेल है। अब उससे कैसे आपको लड़ना है, ये हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा है कि जो छोटे छोटे वेबसाइट है इनका कुछ सार्थक रोल सामने आ रहा है, न्यूज वेबसाइट खासतौर से, जैसे वायर पे हम लोग रोज जाते हैं एक दो बार देखने के लिए कि क्या वास्तव में क्या खबरें चल रही हैं, या टीवी पे रवीश कुमार जी को देखते हैं कि वे क्या बोल रहे हैं। आपने आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान की आजादी के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, लेकिन एक टीवी चैनल पर सिर्फ ये दिखा दिया गया कि भाई किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई है और झूठी बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उसके आधार पर तीन देश के प्रतिष्ठित पत्रकारों को टीवी चैनल से निकाल दिया जाता है और पत्रकारों की एकता और जर्नलिज्म पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले कोई भी आदमी देश के अंदर उस पर आवाज नहीं उठा। तो कैसे
कैसे पत्रकार अपनी कलम चला पाएगा? अगर मान लीजिए 2-4-10 ऐसे हैं भी जो लिखना चाहते हैं, अब जैसे दस्तक है, दस्तक हम लोग देखते हैं, ये पल पल का है देखते हैं, बोलता हिंदुस्तान है वो देखते हैं, ये छोटे छोटे प्रयास अपने अपने जगह पे लोग कर रहे हैं। मैं उनकी सबकी हृदय से सराहना करता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप इन विषम परिस्थितियों में जोखिम भरा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जोखिम भरा काम है। सच्चाई दिखाना, वास्तविकता दिखाना, जमीन की हकीकत दिखाना, ये जोखिम भरा काम इस सरकार के अंदर हो गया है। आज जो मुद्दे देश के अंदर, जिस मुद्दे को लेकर, जिस बात को लेकर, जिस वादे को लेकर ये सरकार आई थी, वो चाहे काला धन की बात हो कि भाई हम काला धन लेके आएंगे और हर खाते में 15 लाख 20 लाख रुपए डाल दिया जाएगा, पूरा देश इंतजार कर रहा है, 15-20 लाख रुपए देना तो दूर, पता चल रहा है काला धन स्विट्जरलैंड की बैंक में दोगुना हो गया। हमने पूछा कैसे हो गया, बोले प्रभु राम की कृपा से हो गया। तो आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। 84% रोजगार घटा है, अब तो रोजगार के आंकड़े भी दारापुरी साहब इन्होंने देना बंद कर दिया, बोले नहीं देंगे आंकड़े, जाओ और रोजगार अगर चाहिए तो पकौड़ा दुकान लगाओ, पान बेचो, पंचर की दुकान लगाओ, ड्राइविंग तो करते हैं ना, वो भी तो रोजगार है, ऑटो चलाते हैं वो भी रोजगार है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं। तो अब जो हालत है देश की, जिस तरह से अर्थव्यवस्था को लगातार चोट पहुंचाया जा रहा है, और जो कुछ भी रात में सोते सपने में दिखाई पड़ा सुबह उसको लागू कर दिया जाता है। नोटबंदी सोचिए, उस समय हम लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, तो हमारा मजाक उड़ाया गया, बोले आप कुछ जानते नहीं, इसमें ऐसी चिप लगी हुई है जो 200 मीटर नीचे तक पकड़ लेगी, देखा था कि नहीं आप लोगों ने? देश के नंबर वन चैनल पे ये बहस हो रही थी कि इसमें 2000 के नोट में ऐसी चिप लगी है जो कई 100 मीटर तक उसको मतलब पकड़ लेगी, इस देश के अंदर कोई लूट डकैती चोरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि लूट डकैती चोरी के लिए तो सारा सिस्टम मॉडर्नाइज कर दिया गया है, और उसमें तो हमारे नीरव मोदी, विजय माल्या एक से एक महारथी है ही। आप सोचिए 21,000 करोड़ रुपए एक आदमी देश की जनता का बैंकों में जमा पैसा लूटता है, और देश के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाता है और हिंदुस्तान छोड़कर चला जाता है, और उसकी बात भी हमारी सरकार बहुत ईमानदार सरकार है, एक आदमी 9,000 करोड़ रुपए देश की जनता का बैंकों में जमा पैसा लूटता है, देश के वित्त मंत्री से मुलाकात करता है, उनको बाकायदा बताता है कि भाई मैं लंदन जा रहा हूं शेयर करने के लिए, 36 अटैची लेके वो हिंदुस्तान से लंदन चला जाता है, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और इनकी कोई जवाबदेही इस बात को लेकर नहीं। 29 जुलाई 2015 को उस व्यक्ति पे मुकदमा लिखा जाता है, 16 अक्टूबर 2015 को उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होती है, 28 फरवरी 2016 को उसके लिए लीगल ओपिनियन आती है कि सुप्रीम कोर्ट जाइए और इसका पासपोर्ट जब्त कराइए, 1 मार्च को वो व्यक्ति वित्त मंत्री से मिलता है, 2 मार्च को हिंदुस्तान छोड़कर चला जाता है। सीधे तौर पे हिंदुस्तान की सरकार, वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन लोगों के खिलाफ भी उतना ही गंभीर मुकदमा होना चाहिए, पूरे देश से इसकी आवाज उठनी चाहिए, लेकिन आज कोई बहस, कोई चर्चा, कोई मुद्दा इसके बारे में बात नहीं कर सकते आप। तो जितनी तेजी के साथ देश की वन नेशन वन टैक्स, आप बताइए कभी आपने सुना होगा? एक चीज तो मैं कहता हूं दारापुरी साहब, कि हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के नंबर एक के सेल्समैन हैं, अपनी चीज को कैसे बेचा जाता है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप सोचिए जीएसटी लगाया इस व्यक्ति ने, रात को 12 बजे जश्न मनवा दिया, पूरा देश जश्न मना रहा है, किस बात के? टैक्स बढ़ाने के नाम, टैक्स बढ़ रहा है, देश जश्न मना रहा है, बोले लता मंगेशकर का गाना सुनिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, और टैक्स बढ़ रहा है। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन मल्टीपल टैक्स, तमाम तरीके का टैक्स लगा दिया जाता। तो अब जिस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि अगर हम लोग जाति धर्म के चक्कर में इसी तरह से उलझे रहे, जिस काम में सरकार ने हमको उलझा के रखा हुआ है दिन रात, तो पकोड़ा योजना के बाद, पंचर योजना के बाद, पान की दुकान की योजना के बाद, ड्राइविंग लाइसेंस वाली योजना के बाद,
ड्राइविंग करने की योजना के बाद, ऑटो चलाने की योजना के बाद, तो पकोड़ा के बाद अब कटोरा योजना लेके आए देश के सामने। अब 2019 के चुनाव में मोदी जी देश के लोगों से कहेंगे कि भाइयों और बहनों बताओ, भीख मांगना रोजगार है कि नहीं है? मैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से पूछना चाहता हूं, भीख मांगना रोजगार है कि नहीं है? और हमारा नौजवान कहेगा हाँ जी बिल्कुल भीख मांगना रोजगार है, क्योंकि आपके दिमाग पे तो जाति और धर्म का नशा चढ़ा हुआ है। और भाजपा क्या कहते हैं संघी, आजकल कोई बहस तो उनके पास अब बची नहीं, तो अब क्या कहते हैं, कहते हैं भाई सब कुछ ठीक है, आप उनसे पूछे भाई ये बताइए मोदी जी ने 4 साल में किया क्या है, तो बहुत सोचे होचेंगे, बोले हाँ वो देखिए उज्ज्वला वाला काम किया, आप बताइए उज्ज्वला तो पूरी तरीके से फेल साबित हुई है, फिर कुछ अपना थोड़ा बहुत इधर उधर बोले, देखिए पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया है हिंदुस्तान का, अब कुछ कुछ अपना बोलते रहते हैं। अब सारी बहस जब फेल हो जाएगी, जब एक संघी एक भाजपाई सारे तर्कों से हार जाएगा, तो कहेगा भाई बाकी सारी बात तो ठीक है, लेकिन एक चीज ये बताइए कि इनका विकल्प क्या है। तो मुझसे भी एक भाजपा के विधायक एक दिन मिल गए, उन्होंने कहा कि सब कुछ भाई साहब आपकी बातें ठीक है, लेकिन बताइए मोदी जी का विकल्प क्या है, राहुल गांधी के सामने मोदी जी तो बहुत बड़े नेता है। तो हमने कहा भाई विकल्प हो कुछ हो या ना हो, लेकिन मुझे जरा आप बताइए कि जो व्यक्ति तक्षशिला को बिहार में पहुंचा देता है, शहीद आजम भगत सिंह को अंडमान निकोबार के जेल में पहुंचा देता है, दयानंद सरस्वती से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मुलाकात करा देता है, जो व्यक्ति बाबा गोरखनाथ को और गुरु नानक देव को और संत कबीर की एक साथ मीटिंग करा देता है, जो व्यक्ति नाले के गैस से चाय बनवा देता है, ऐसे व्यक्ति का अगर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में कोई विकल्प नहीं है, तो फिर अपने आप को मेरा भारत महान मत दो तुम, ऐसे व्यक्ति का कोई विकल्प ही नहीं हिंदुस्तान में, जो इतनी मूर्खता की बातें करता, जो दिन रात खाली देश को मूर्ख बनाने के काम में जुटा हुआ है, जो सिर्फ एक अच्छा सेल्समैन है, जो बड़ी बड़ी बातें करके देश को गुमराह करके अपना सारा काम करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि अब हम सारे लोगों को इस बात के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा कि जो ये छोटे छोटे प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं, इसको और कैसे हम तेजी दे सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे सच पहुंच सके, क्योंकि ये तो आप मान के चलिए कि कोई बड़े टीवी चैनल वाला आपकी बात को, एकमात्र मैं खुल के बोलता हूं, एकमात्र एनडीटीवी और अंग्रेजी में इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू अखबार एक तो यही सब बचे हैं, बाकी आप पूरे देश के अंदर कहीं भी आप ये नहीं पाएंगे कि कोई सच्चाई की खबर आपको कोई टीवी चैनल वाला दिखा रहा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो छोटा छोटा प्रयास आप लोगों का वेबसाइट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज चैनल बना के, सोशल मीडिया पे जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इसको कैसे और तेजी प्रदान की जाए और कैसे ये माध्यम लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा सच्चाई कैसे लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए हम लोगों को सबको कोशिश करना पड़ेगा और उसकी एक योजना बनानी पड़ेगी जिससे कम से कम गांव-गांव तक सही खबर लोगों तक पहुंच सके, वरना तो ऐसा गलतफहमी का माहौल पूरे देश में बना दिया गया है। कोई भी चीज प्रचारित कर दी जाती है, कोई भी एक झूठ जो है वो पूरे देश में 2 मिनट के अंदर फैला दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है और अभी जो ये प्रयास चल रहा है आप लोगों का, इसके लिए फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत आपकी हृदय से मैं सराहना करता हूं इस बात के लिए। और कहां से शुरू किया जाए, कहां खत्म करें, पहलू खान, इखलाक, नजीब, एक लंबी फेहरिस्त है वतन की, जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे।